तो इसमें क्वेश्चन है कि एट रेन ड्रॉप्स, बारिश के जो बूंदे हैं आठ, जिसका रेडियस 1 mm ईच है, एक छोटे ड्रॉप का रेडियस 1 mm ईच है, फॉलिंग डाउनवर्ड नीचे गिर रही हैं विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s। छोटे ड्रॉप की जो वेलोसिटी टर्मिनल है वो 5 के 1 है। वो कहते हैं आठ ड्रॉप्स कंबाइन हो गई, तो इसमें इसका मतलब है कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो छोटे ड्रॉप कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। याद रखना, जब भी लिक्विड के ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं वॉल्यूम इक्वेट की जाती है, ये पानी तो बड़े ड्रॉप में चला गया सबका, तो सबसे पहले रेडियस बड़े ड्रॉप का निकालते हैं। छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनता है। तो एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है, 8 × 4/3 π r³। बड़े ड्रॉप का क्या है, 4/3 π R³। तो आपको यहां से कैंसल होके बड़ा और छोटे आर का रिलेशन आ गया। छोटे आर की वैल्यू 1 mm है, तो बड़े आर की वैल्यू 2 mm है, तो बड़े का रेडियस आ गया। टर्मिनल का फॉर्मूला ये रहा। टर्मिनल में पहली डेंसिटी किसकी होती है, इस बॉडी की। अब बॉडी कौन है इसमें, वाटर का ड्रॉप, तो पहली डेंसिटी किसकी, वाटर की। किसमें गिर रहा है पानी, पानी में थोड़ा गिर रहा है, मीडियम में। मीडियम यहां पर कौन है, एयर है, तो एयर की डेंसिटी है। ठीक है, तो छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है। अब जब बड़ा ड्रॉप गिरेगा तो भी उनकी डेंसिटी में तो कोई फर्क आएगा नहीं, जी में कोई फर्क नहीं, ईटा वाटर का सेम है, बड़े और छोटे का 2/9 सेम है। तो यानी कि यहां पर चीज क्या, फैक्टर चेंज हो रहा है, स्मॉल आर। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है। छोटे ड्रॉप की टर्मिनल 5 है और रेडियस 1 है। बड़े ड्रॉप की टर्मिनल निकालनी है, रेडियस 2 है, इन्हें डिवाइड कर लो, 4/1 हो जाएगा। टर्मिनल का आंसर आएगा 20 cm/s। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?